स्टार्ट करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 49 है। कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी, ये भी खाली आपने। तो इसमें भी हम केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। एक तो सबसे पहले दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये आपका ईयर आपके रिवर्स दे रखे, तो 20,000 लॉस दे रखा है। 20,000 क्या दिया हुआ है, लॉस, तो इसको लेके चलेंगे नेट लॉस। तो 20,000 फॉर्मेट अपना पूरा पहले बना लेंगे, जैसे बनाते हो डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी आप लिख लेंगे पहले। लेस टैक्स पेड, टैक्स भी इसमें दे रखा है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जैसे अब ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ट्रेड क्या आ गया, रिसीवेबल आपका, ये देखिए इसमें ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है, ठीक है। और ये आपका हो रहा है इसमें 240 का, 250 ज़्यादा हो रहा है। इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे 10,000 माइनस में। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपकी गुडविल आ रही है, तो गुडविल देखिए ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड होती है, ऊपर ऐड करते हैं। तो ये 20 की कितनी हो रही, 15 रिटर्न ऑफ, तो ऊपर ऐड करेंगे गुड रिटर्न ऑफ, कितनी रिटर्न ऑफ आपकी 5,000, यहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्या आ रहे हैं, एक्सपेंसेस, और ये आपके कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा देंगे, कितने दिखा देंगे 8,000, यहाँ दिखा देना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो, ध्यान रखना आप सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व आपको होता है वर्किंग नोट में ऐड होता है, वर्किंग नोट के आइटम आपको दे रखी जनरल रिजर्व, और ये आपका हो रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे। तो ऐड करते हैं ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, यहाँ ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में हमने डाला 30,000 ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन के इसमें याद है दोनों बैलेंस दे रखे, देखिए इसमें इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, और साथ में कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। और मैंने आपको कहा था अगर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, प्लांट दो अकाउंट बनते हैं, एक तो प्लांट का अकाउंट और एक प्लांट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें बना के दिखाऊंगा आपको। एक तो प्लांट का अकाउंट बनाएंगे, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बाय में लेते हैं, डेप्रिसिएशन का और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लेते हैं टू में, तो दोनों बैलेंस आपको गिवन है। अब प्लांट का इसमें चलो पॉइंट कराते हैं, क्वेश्चन को आगे चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके इसमें कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ लेंगे, ऐड में जाएंगे, ये आपके हो गए टोटल कितने हो गए 6,000, ये भी ऐड करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके आ रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारा इसमें ज़्यादा हो रहा है 24,000, तो ये भी ऐड होगा ट्रेड पेबल आपका, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल यहाँ पे लेंगे 24,000, ये भी ऐड करना है इसके अंदर। अब उसके बाद अब मैं नीचे वाले दो पॉइंट, पहले प्लांट का मैं अभी अकाउंट बनाता हूँ आपके सामने, पहले एक बार ये कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड दे रखा है 20-30,000। अब देखो इनकम टैक्स खाली नीचे नीचे दे रखा है, तो इसकी एंट्री दो बार करेंगे, ठीक है। एक बार तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं वर्किंग नोट में इनकम टैक्स, अगर सिंगल दे रखा है वही ऐड होगा। और याद है सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग में आप लेस भी करते हो इनकम टैक्स को, या लेस टैक्स पेड, वो भी आपका 30,000 ही आपका माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंटरिम डिविडेंड पेड दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, इसकी एंट्री हम दो बार करते हैं। इसकी भी एक बार तो वर्किंग नोट में आपका ऐड होता है, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड आपको दे रखा है इसमें 18,000, एक बार तो यहाँ ऐड करेंगे। और एक बार फाइनेंसिंग में लेस होता है, कहाँ लेस होता है फाइनेंसिंग, लेकिन फाइनेंसिंग आप बना नहीं रहे इसलिए वहाँ पर लेस नहीं हो पाएगा, खाली ऐड ऐड कर देना वर्किंग नोट में, ठीक है। अब उसके बाद दो अकाउंट मैं आपको बता रहा था, दो अकाउंट कैसे बनेंगे। पहले तो आपने ऐसा करना, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उठा लीजिए, ओपनिंग बैलेंस आपका 82,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, और इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। और ऐसे ही आप प्लांट का जो अकाउंट बनाओगे, तो प्लांट की ना ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखी, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है एक प्लांट की, कि कॉस्टिंग उसकी 60,000 थी, बुक वैल्यू उसकी 36,000 रह गई, और उसको सोल्ड कितने में कर दिया 40,000 में। तो आप ये मान लीजिए कि प्लांट हमारे पास ना स्टार्टिंग में 60,000 का ही है, तो आप जब प्लांट का बनाओगे ना, तो ओपनिंग बैलेंस आप ले लीजिए 60,000 जो कॉस्टिंग दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस आप डील नहीं कर दीजिए क्योंकि इसको हमने सोल्ड कर दिया। अब हम दो जब अकाउंट बनाते हैं, तो आपको पता है इसके अंदर एक तो हम सेल लिखते हैं, इस बाय बैंक सेल आ जाएगी तो सेल गिवन है, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर होता है यहाँ पे आके, यहाँ से फिर हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये आपको दे रखा है कि कॉस्टिंग उसकी 60,000 थी, बुक वैल्यू 36,000 रह गई। अब बुक वैल्यू कब आती है, जब आपका डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हो जाता है। तो आप यहाँ से देखिए कि डेप्रिसिएशन हमारा कितना बना होगा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन लिखना जरूरी है हमारे को प्लांट अकाउंट में, क्योंकि उसको आगे लेके जाएंगे, वहाँ से करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो बुक वैल्यू तब आती है जब डेप्रिसिएशन इसमें से क्या हो जाए, माइनस हो जाए, यानी इसको डेप्रिसिएशन हमारा 24,000 था,
ये हमारी 24,000 डेप्रिसिएशन है, अब 60,000 में से 24,000 घटाओ तो कितने बनता है 36,000, ये बुक वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। 24 आपका क्या लगा उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हम दिखाएंगे बाय में 24,000 यहाँ पे। अब सोल्ड कराया आपने 40,000 में सोल्ड हो गया, तो अब उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो एक बार, जैसे कॉस्टिंग आपकी 60,000 थी, बुक वैल्यू 24 आपका डेप्रिसिएशन लगा, 36,000 बुक वैल्यू रहेगी, 36,000 का कितने में सोल्ड कर दिया, 40,000 में सोल्ड कर दिया, तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आपका टू में, टू प्रॉफिट 4,000, और ये टोटल ना आपका इक्वल आ जाएगा क्योंकि एक ही प्लांट था और उसको आपने सोल्ड कर दिया 64,000, यहाँ भी 64,000 आएगा। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर होगा, टू प्लांट यहाँ लेके आ जाइए, टू प्लांट करके कितना डालोगे यहाँ पे, आप आके 24,000 डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे 1,24,000 हो गया, यहाँ भी हम क्या लेंगे 1,24,000, तो ये हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन वो निकल के आएगा 42,000। अब यही डेप्रिसिएशन जो आपका निकला है इसी को आपने ऑपरेटिंग में ऐड करना है, ये डेप्रिसिएशन आपका निकला 42,000, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपका लेस होगा, प्रॉफिट हुआ हमारा 4,000, ये माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे तो यहाँ से टोटल उठा देते हैं, और कोई पॉइंट नहीं दे रखा, ये बनेगा 58,000, इसको 58,000 को ऊपर लेंगे यहाँ पे, 58,000 यहाँ पे ले लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐड करते हो 4,000 लेस करेंगे, 1,01,000 आएगा, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर ये सारा ऐड है इसके अंदर, यानी कि टोटल मिला के 32,38,000, 1,39,000 आ जाएगा। फिर आप 10,000 इसमें से क्या करेंगे लेस करेंगे तो 1,29,000 आ जाएगा, और 30,000 फिर इसमें से लेस कर देना, 89,000 ये हमारा निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपका 31 छोड़ा हुआ पीछे, तो 31 क्वेश्चन निकाल लीजिए। उसके अंदर हमें सिर्फ ना दो बनानी है एक्टिविटी, एक तो बनानी है हमें इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक बनानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आइटम सारी आपको याद है तो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मैंने छोड़ दिया था 31 क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टार्ट करें तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट भी, दो अकाउंट तो इसके बन जाएंगे आपके। उसके बाद एक इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख की, कितनी 12 लाख, इसको तो डाल ही देते हैं। अब दो बनाने, एक तो आप इन्वेस्टिंग और एक क्या बनाएंगे फाइनेंसिंग, तो इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल डालते हैं, ये हमें दे रखा है 2 लाख। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक, और ये दे रखा है आपका 150 का 2 लाख हो रहा है, तो रेजिंग लोन बैंक लोन, तो इसको दिखाएंगे 50,000 ये दिखा देंगे यहाँ पे, बैंक लोन दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके बाद आपको दे रखा है नीचे इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड की एंट्री बताओ कहाँ कहाँ करते हो, एक बार तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है, ऑपरेटिंग हम बना नहीं रहे तो एक बार फाइनेंसिंग में लेस होता है, तो फाइनेंसिंग में हम लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड हमें दे रखा है इसमें कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है, या माइनस माइनस कर देंगे, एक बार ऑपरेटिंग में ऐड होता है, ऑपरेटिंग हमारे पास नहीं बन रही, हम खाली बना रहे हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और उसके बाद एक हमें दे रखा है डिविडेंड पेड, अब ये भी आपका वर्किंग नोट में ऐड होता है ऑपरेटिंग में जब बनाते हो ऊपर, और फाइनेंसिंग में क्या होता है लेस होता है, बस खाली फाइनेंसिंग में आप इसको ना क्या करना लेस लेस कर देना। डिविडेंड पेड कितना दे रखा है, डिविडेंड पेड आपका 80,000 दे रखा है, माइनस माइनस यहाँ पे कर देना, ठीक है। अब मैं दो अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड क्या बनाएंगे डेप्रिसिएशन, पहले इसका बैलेंस ओपनिंग टू में 5,60,000 है, क्लोजिंग बैलेंस आप आई में ले लेना 6,80,000, डेप्रिसिएशन को ओपनिंग आता है बाय में 1,48,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 1,70,000, ये दोनों बैलेंस मैंने लिख दिए पहले, ये आपके 17, 18 के, 560, 680, 148, 170, ठीक है। हम नीचे शुरू करते हैं, पॉइंट क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्टिंग 120 थी, उसको सोल्ड कर दिया कितने प्रॉफिट पर, 15,000 प्रॉफिट पर सोल्ड करा, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये ध्यान में जो डेप्रिसिएशन वही दे रखा है, वो एक्यूमुलेटेड नहीं दे रखा है, वो दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर वाला, वो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन वो दिया हुआ है जो हम यहाँ निकालते हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड याद है यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ निकलता है, तो ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें, ये वाला इस पर ध्यान रखना, करंट ईयर वाला बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन हो गया, ये दे रखा है हमें इसके अंदर, ये गिवन है 50,000, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ इसका टोटल कर देंगे 1,98,000 आएगा, यहाँ भी क्या लेंगे 1,98,000, तो ये वो निकल के आएगा जो हमारा ऊपर जाना है,
यानी जो प्लांट एंड मशीनरी में आपका जाएगा, पहले भी आपको क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था, 28,000 ये हमारा निकल के आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। अब 2 है तो ऊपर कहाँ चला जाएगा आपका, बाय में यहाँ आ जाएगा, बाय एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये लेके आ गए हम 28,000। अब हमें देखते पड़े आगे क्या दे रखा है। अब वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर की मशीन की कॉस्टिंग क्या थी, 120। अब कॉस्टिंग में से हमें डेप्शन घटाना पड़ता है तभी हमारी बुक वैल्यू आती है, और डेप्शन आप इस बार ये घटाओगे जो आपका निकला ना अभी आपका 28,000, ये सोच के चलिए कि कॉस्टिंग उसकी 120 है और डेप्शन कितना लग चुका है, 28,000 लग चुका है। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 28,000 घटा देंगे तो हमारी जो बुक वैल्यू आपकी आएगी वो 92,000 बुक वैल्यू आ गई। अब 92 का हमने कितने प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया, 15,000 प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया, तो 15 इसके अंदर ऐड कर दीजिए तो हमारी ये टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी। टोटल सेल हमने कितने में करी, 1,07,000 में। तो बाय बैंक ये लेंगे आप, 1,07,000 ले लेना यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा आ गया। और इधर प्रॉफिट हम इधर ले लेंगे, टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट हमारा हुआ इसमें कितना प्रॉफिट हो गया आपका, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप इसको टोटल कर देना, ठीक है, टोटल करेंगे तो टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे 8,15,000। यहाँ भी क्या लेंगे, 8,15,000, तो ये हमारी परचेज आ जाएगी टू बैंक करके, कि हमारी परचेज टोटल कितनी करी हमने, परचेज हमारे पास आएगी 2,40,000। तो अब यहाँ से सेल परचेज, एक तो परचेज है और एक हमारी सेल है, वो उठाएंगे यहाँ पे और कहाँ लेके जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ लिखते हैं सेल और मशीनरी, सेल हमारे पास हो गई इसमें 1,07,000 की, और एक परचेज ले लेंगे, परचेज हमारे पास है 2,40,000 की, बस। सब इसका टोटल करेंगे, 2,40,000 और प्लस 1,07,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इसमें, और ये आंसर हमारा पास आएगा 1,33,000 माइनस का, ये आपका आएगा जिसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल हमारा निकल के आएगा 1,40,000, इसका भी देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसको बोलते हैं, माइनस का है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप इसको कहेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गए, मेन वो पॉइंट समझ में आए, डेप्शन आपका इस बार ये दे रखा था करंट ईयर वाला, वो निकल के आएगा जो एक्यूमुलेटेड होगा ऊपर चला जाएगा, फिर वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, फिर हमारी बुक वैल्यू आएगी 92,000, और 92,000 का 15,000 प्रॉफिट पर सोल्ड हो, यानी 1,07,000 की सेल आ जाएगी, और प्रॉफिट दिखा के बाकी परचेज सेल उसमें दिखा देना, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन आपने करे हैं, तो मैंने कराया आपको आज जो करने हैं आपने, एक तो आपने करना है 48 क्वेश्चन करना है, एक 49 कर लेना और एक 31, ये तीन क्वेश्चन आप आज कर लेंगे, ठीक है, बाकी कल करेंगे।